कक्षा 10 के बच्चों के लिए है संस्कृत, कक्षा 10 संस्कृत देख रहे ना पाठ्यक्रम, बहुत डिमांड है कि पाठ्यक्रम। आप ये देखिए कि आपके यहाँ जो पेपर होगा 2024 में उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है। बिल्कुल यही 2024 का सिलेबस है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गजट किया गया है, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पाठ्यक्रम में है उसी से पूछे जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले निर्देश नहीं पढ़ रहे, फिर खंड का गद्य पद्य और आसपाठ देख रहे हैं, नंबर सहित नंबर विभाजन भी देख लीजिए, 35 अंक का है, इसमें से पूछा जाएगा क्या पद में। गद्य खंड हिंदी अनुवाद जो आपकी किताब पढ़ते हैं, पाठ का सारांश आएगा 4 अंक का, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 4 अंक का, 4 का देख रहे हैं ना। एक गद्य से हो गया 35 अंक का आपका, इसमें से हो गया कितना 11, 4, 15, 4, 19, ये 35 में विभाजन है देख रहे हैं ना, 35 संस्कार है गद्य का। तो गद्य खंड का हिंदी अनुवाद 11 अंक का, पाठ का सारांश 4 अंक का और 4 बहुविकल्पी 4, 4, 8 और 11, 19 देख रहे हैं ना। अब अगला है कह रहा है पद से 15 अंक का है देख रहे हैं ना, 15 अंक का पद है। तो पद में क्या पूछा जाएगा, श्लोक की हिंदी में व्याख्या देख रहे हैं ना, सूक्ति सूक्त की हिंदी में व्याख्या, किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, बहुविकल्पी प्रश्न। बिल्कुल यही पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, बिल्कुल ऐसा हो बहु आपसे पूछा जाएगा, छोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल एक एक पाठ का अंक भी विभाजन दिया गया है, इसमें कौन सा प्रश्न कितने अंक का है देख रहे ना दिया गया है सब, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगला आसपाठ, आसपाठ से कितने का है, 9 अंक का पूछा जाएगा। पात्र चरित्र चित्रण एक आएगा, लघु त्रि प्रश्न आएगा संस्कृत में, फिर है बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। आसपाठ मतलब जो तीसरी किताब है कथा नाटक कॉमेडी से पूछा जाएगा। फिर है खंड खा व्याकरण, व्याकरण से 35 अंक का व्याकरण का होगा और 35 नंबर का आपका टेक्स्ट बुक होता है देख रहे हैं ना, व्याकरण का हो गया 35 नंबर का। अब व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, दूसरा है संधि, तीसरा है हल संधि के खंड में विसर्ग संधि, फिर है शब्द रूप पुल्लिंग पितृ भगवत गोक करण राजन इतने में से आएगा। स्त्रीलिंग में नदी धेनु बधु सरित, नपुंसक लिंग में है वारि मधु नामन मनस किम यद अदम देख रहे हैं ना। फिर धातु रूप में है लट लिट लोट लंग तथा विधलिंग लकारों में देख रहे हैं ना, परस्परय पद भू पा वस अस्था नस आप इस, आत्मने पद में वृद्ध जन, उभय पद में नी दा ग्या देख रहे ना चूर, इस तरह से ग्रामर का है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह सिलेबस रामबाण है, यूपी में पूरे यूपी में यही सिलेबस चल रहा है देख रहे ना, बिल्कुल यही आएगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। समास है 5वां, समासों के विग्रह सहित समास आए, अव्ययी भाव द्विगु बहुव्रीहि ये 3 समास को आपको कंप्लीट करना है, तीनों कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपको। अब संस्कृत पढ़ाना शुरू हो गया है चैनल में देख रहे हैं ना। कारक विभक्ति निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति एवं ज्ञान का प्रयोग, कर्त कारण तृतीया कर्मणा देख रहे हैं ना, चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी, प्रत्यय में क्वत क्वतवत क्वितिन क्वत्वा ये सब प्रत्यय के बारे में आपको जानना है देख रहे हैं सत्वा, बिल्कुल पूरा का पूरा 2 अंक आएगा प्रत्यय। अगला है वाच परिवर्तन है, वाच परिवर्तन देख रहे हैं ना, वाच परिवर्तन 3 अंक का आएगा, वाच परिवर्तन के देगा 3 अंक का आएगा, 3 अंक का है, लेकिन हिंदी से वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये अनुवाद सिखा दिया गया है चैनल पढ़ में डाला गया है पढ़ाया गया है देख लेंगे। 6 अंक का आएगा, 3 वाक्य रहेगा, 2-2 अंक के रहेंगे आप सही कर लेंगे। रचना आएगा, रचना में क्या है, निबंध, निबंध भी सिलेबस में चैनल में डाल दिया गया है, कम से कम 8 वाक्य लिखेंगे, 8 नंबर का रहेगा ये देख रहे हैं ना। जनसंख्या पर्यावरण स्वास्थ्य शिक्षा एवं यातायात नियम की जानकारी है, प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे देख रहे हैं ना। संस्कृत व शब्दों का वाक प्रयोग बहुत सरल होता है, जब अनुवाद करना आप सीख जाएंगे तो वाक प्रयोग करना जान जाएंगे। तो अभी वाक संस्कृत में अनुवाद करना मैंने सिखाया है डाला है देख लेना, उसके बाद वाक प्रयोग करना भी आपको सिखा दिया जाएगा। निर्धारित पाठ्य पुस्तकें यही जो मैं बता रहा था कथा नाटक कौमुदी हमारे यहाँ चलती है जिला प्रतापगढ़ में, अगर आप जिस जिला होंगे
के सम्मुख अंकित पाठ पुस्तक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश पाठ का अध्ययन करना होगा। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान, संधि व्यंजन एवं विसर्ग संधियों का परिचय एवं अभ्यास, समास में अव्ययी भाव द्विगु बहुव्रीही कारक एवं विभक्ति परिचय, वाच्य परिवर्तन अनुवाद सामान्य नियमों सहित अभ्यास, कारक एवं विभक्ति ज्ञान अनुवाद अभ्यास, प्रत्यय शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा वाचक शब्दों के तीनों लिंगों में धातु रूप, एक रूप आपको धातु रूप मैंने लिख दिया है चरण में पठ धातु का पांचों लकार में आपको याद करना होगा, परस्परही पद आत्मनेपद तथा उभय पद में धातुओं के रूप, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, संस्कृत वाक्य शुद्ध ही करना आएगा, जब आपको अनुवाद करना आ जाएगा तो वाक्य शुद्ध भी कर लेंगे, वाक्य प्रयोग भी कर लेंगे, अनुवाद से कई चीज़ आपके सध जाएंगे। संस्कृत में निबंध विद्या सदाचार परोपकार सत्संग अहिंसा परमो धर्मा इतना हमारे चैनल में निबंध भावार्थ सहित आपको डाल दिया गया है, शेष मातृभूमि ये सब जो दिया गया है देख रहे हैं इतना निबंध, इनको धीरे धीरे सब करके डाला जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको भावार्थ सहित। फिर गद्य भारती संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि वैदिक में एक पाठ के नाम है आपको दिया गया है 10-12 पाठ, इनमें से जो आप पढ़ेंगे जो आता है भावार्थ सहित शब्द इनका अर्थ लिखने के लिए, पद्य पीयूषम से पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, इसमें से सूक्त सुधा पढ़ा दिया गया है, पद्य पीयूषम इतना पाठ है सबको पढ़ना होगा आपको। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पाठ आपको याद करना होगा, इसमें चरित्रण जीवन परिचय ये सब पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है जो 30 अंक का होता है, हम लोग 30 में 30 दे देते हैं, वीडियो को पूरा कर देखेंगे स्किप नहीं करेंगे, पूरा देख रहे हैं, फिर से संस्कृत का सिलेबस है ये पाठ्यक्रम, वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप नहीं करेंगे, इतना शेयर करना कि श्री गणेश अकादमी पहला स्थान प्राप्त करे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।